स्वागत है। आपका दिया समय हमारे लिए बहुत अनमोल है। आज दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसके कारण हम आज इस प्रेस वार्ता में बैठे हैं। सबसे पहला तो आज हमारे संगठन ने एक दूसरा बड़ा स्टेप लिया है। आज हमारा ब्लॉक लेवल पे शपथ ग्रहण का समारोह है और दूसरा महत्वपूर्ण कदम हमारे साथ मैडम बैठी हुई है अंजुम रहबर जी, किसी परिचय का मोहताज नहीं है, ये आम आदमी पार्टी के परिवार में शामिल हो रही है। तो संगठन के बारे में अगर मैं पहले आपको बताऊं तो इससे पहले 15-20 दिन पहले हम मिले थे और स्टेट लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिस बेयरर्स जो थे, पदाधिकारी थे, उनकी शपथ ग्रहण का कार्यक्रम हुआ था। उसके बाद आज ब्लॉक लेवल पर हमने जो ऑफिस बेयरर घोषित किए उनका शपथ ग्रहण है। जब मैं ब्लॉक लेवल कह रहा हूं, इसका मतलब ये है कि हर विधानसभा में 4 ब्लॉक प्रेसिडेंट बनेंगे और इसके बाद अगला स्टेप जो होगा वो सर्कल लेवल पे होगा। सर्कल लेवल मतलब हर 10 गांवों के पीछे एक टीम होगी और अंतिम जो चरण होगा वो है विलेज लेवल पर और वार्ड लेवल। शपथ ग्रहण ये समझना होगा कि हम क्यों करते हैं। वैसे तो आम आदमी पार्टी से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं एक उद्देश्य के साथ जुड़े हुए, फिर भी ये जताने के लिए कि राष्ट्र हित सर्वोपरि है, हमारा देश सबसे पहले है, पार्टी दूसरा है और जो खुद का जो स्वार्थ है वो अंत में है। इसको करने के लिए, विचारों में प्रभावित करने के लिए हम शपथ लेते हैं और शपथ के साथ ही हम अपने पदाधिकार जो भी है वहां उसकी शुरुआत करते हैं। मेरा ये मानना है कि संगठन के मामले में आम आदमी पार्टी का संगठन सबसे नया है और सबसे ज्यादा साइंटिफिक तरीके से बनाया गया है। वैज्ञानिक पद्धति से बनाने का मतलब मेरा इतना ही है कि हम योग्यता के हिसाब से ही पद देते हैं। जो व्यक्ति जितना योग्य है उसकी क्षमता उसकी शक्ति, हमारे संगठन बनाने में कोई भाई भतीजावाद जान पहचान कोई सामने नहीं आता। तो वैज्ञानिक पद्धति से योग्यता के हिसाब से जो संगठन बना है उसके लिए मैं हमारे अध्यक्ष जी को और हमारे पंकज जी को, इन दोनों को बधाई देता हूँ इनकी मेहनत से और पूरी टीम की मेहनत से आज का ये संगठन घोषित हो रहा है। अंजुम रहबर जी हमारे साथ ज्वाइन हो रही है, ये किसी परिचय का कोई मोहताज नहीं है। उर्दू शायरी में इनका एक विशेष स्थान है। उर्दू शायरी के अलावा भी अगर आप देखें तो बहुत सारे सोशल वर्कों में लेकर इनका काफी अच्छा प्रभाव रहा है, बहुत अच्छा काम किया है। मैडम जो है इनको कई सारे अवार्ड्स भी मिले हुए हैं, मतलब अगर मैं गिनना चाहूँ तो बहुत लंबी लिस्ट है। 2-3 अवार्ड में नाम लेना चाहूंगा, इंदिरा गांधी अवार्ड 1986, फिर राम रिक मंथर अवार्ड, साहित्य भारती अवार्ड, हिंदी साहित्य सम्मेलन अवार्ड, अखिल भारतीय कविवर विद्यापीठ अवार्ड, दैनिक भास्कर अवार्ड, उसके अलावा गुना का गौरव अवार्ड भी, क्योंकि मैडम बेसिकली गुना से ही बिलोंग करती हैं। तो समझने की आवश्यकता ये है कि आज भारतीय राजनीति में और खासकर अगर देखेंगे कि मध्य प्रदेश की राजनीति में बहुत क्राइसिस आया हुआ है। 2 राजनीतिक दल हैं यहां पर, दोनों राजनीतिक दल अपनी आइडेंटिटी अपनी पहचान खो चुकी है। आज ये पहचानना मुश्किल है कि बीजेपी क्या है और कांग्रेस क्या है और इसका भुगतान जनता को करना पड़ रहा है। जनता ने इनको बार बार मौके दिए, इस बार आप परफॉर्म कर लो, इस बार आप परफॉर्म कर लो, बार बार मौका देने के बाद भी उन्होंने जनता को फेल किया। इस बार जनता के पास ऑप्शन है, जैसे अंजुम जी भी दूसरी पार्टी में ज्वाइन कर सकती थी,
सेवा करना है देश को तो कहीं पर भी कर सकते हैं, लेकिन ये आम आदमी पार्टी को चुन रही है। आम आदमी पार्टी को क्यों चुन रही है? क्योंकि आम आदमी पार्टी काम की राजनीति करती है, ईमानदार राजनीति करती है। तो सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ और मैं चाहूंगा कि आप ही दो शब्द बोलें। चेंज हो जाइए ना। तमाम पत्रकारों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रही हूँ और यकीन मानिए मैं इस दिमाग से नहीं कर रही हूँ, दिल से कर रही हूँ। विचारधारा, एक सोच, दृष्टि, सारी चीजें मुझे इस पार्टी में देखने को मिली। शायरी के जरिए मोहब्बतों के पैदा होने बहुत ही, लेकिन मैं चाहती हूँ उस पार्टी को ज्वाइन करके एक यूं कहूँ कि आप आम आदमी पार्टी और हम ये सब लोगों को मिलाकर चलने वाली पार्टी है। मैं संदीप पाठक जी का, रानी अग्रवाल जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरी खुशकस्मत है कि मैं ऐसे इस पार्टी को ज्वाइन करूँ। संगठन के बारे में एक फाइनल चीज करूं, आम आदमी पार्टी का संगठन जैसे कि मैंने पहले आप सबको कहा था कि बहुत ही विशाल और स्वस्थ संगठन बनने जा रहा है। ऐसा विशाल संगठन बनेगा जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के संगठन से कहीं बेहतर होगा। कई बार मुझसे पूछा जाता है कि आपकी पार्टी नहीं है, आपका संगठन छोटा है, आप नए हो। मेरा ये मानना है कि हम नए हैं, यही हमारी ताकत है और इसी ताकत के साथ जनता के पास जाएंगे हम। हमें अपने में अहंकार नहीं है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। हम अपने मुद्दों अपनी नीतियों के साथ जनता के पास जाएंगे। केजरीवाल जी को एक मौका देने के लिए आह्वान करेंगे। जनता जनार्दन होगी, जनता को अगर हम समझा पाए तो जनता में इतनी ताकत है कि इस सल्तनत को उखाड़ देंगे। बाकी आपके अगर कोई प्रश्न है तो मैं अंजुम जी का अपना अपने समाज में स्थान है, देश में स्थान है, उनका नाम अंजुम रहबर जी है। सर, मुंबई से खबर चल रही है 45 करोड़ रुपए के बंगले में रिनोवेशन का काम हुआ जी। जब राजनीति में आम आदमी पार्टी की यानी केजरीवाल जी की एंट्री हुई थी तो इस बात से हुई थी कि सारे वीवीआईपी कल्चर खत्म होंगे जी। आज की डेट में सवाल उठ रहा है कि 45 करोड़ रुपए जिसमें 1-1 करोड़ रुपए के बदले 20 लाख रुपए का कालीन जी और इस तरह की चीजें, वियतनाम से टाइल्स बुलवाई गई है जी, विदेशों से मार्बल बुलवाया गया है, तो ये किस ओर इशारा करता है? इतना खर्च आखिर क्यों जब ये वीवीआईपी कल्चर खत्म करने की बात की? मैं बताता हूँ, आपने अच्छा किया ये प्रश्न पूछा। आम आदमी पार्टी का जन्म आंदोलन से हुआ है, ईमानदार राजनीति के लिए हुआ है। जब केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने तो उन्हें जो रहने के लिए घर दिया गया वो घर बहुत छोटा, पर केजरीवाल जी ने नकारा नहीं उस घर को, उसी घर को स्वीकार किया। मैं चश्मदीद गवाह हूं, उनका जो घर था वहां से जो छत से सीपेज होती है ना बरसात में, सीपेज होके आप देख सकते थे कई जगह से गिरते हुए। कई बार उनके माता पिता जहां रहते थे वहां से छत गिरी हुई थी, कई बार सीएम साहब रहते थे वहां से। पीडब्ल्यूडी ने ये डिसाइड किया कि इस घर को तोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत पुराना हो गया। तो दो फंडामेंटल मिस्टेक्स हैं जो मीडिया कह रही है। एक तो कह रहे हैं कि रिनोवेशन, रिनोवेशन क्या होता है? खड़े घर को सुधारने की प्रक्रिया को रिनोवेशन कहते हैं, ये गलत है। पूरे घर को, क्योंकि वो जर्जर स्थिति में थी और जान को खतरा था, जर्जर स्थिति में पीडब्ल्यूडी ने ये तय किया कि भाई इसको गिरा के पूरा बनाया जाएगा। हमने कहा भाई ठीक है, आप गिरा के पूरा बनाओ, मुख्यमंत्री आवास है। उसके बाद पीडब्ल्यूडी ने एक घर बनाया जिसकी कॉस्ट आप नंबर 1
अब अगर सरकारी आवास जो बनते हैं, जो दिए जाते हैं, उसको अगर तुलना करना है तो बाकी के सरकारी आवास से कीजिए, आप बाकी के मुख्यमंत्री के सरकारी आवास से तुलना कीजिए, आप प्रधानमंत्री उनके सरकारी आवास के पुनर्निर्माण की लगभग 500 करोड़ बताया गया है, जो लगभग 1000 करोड़ से ऊपर जा सकता है। सही मायने में जो हुआ दीपा पोती और पेंटिंग रेंटिंग का जो काम हुआ वो एलजी साहब के घर पे हुआ, उसमें 14-15 करोड़ लग गए। एक पूरे घर को बनाया जाता है, पूरे घर को, जिसपे जनता विजिटर, जनता दरबार लगती है केजरीवाल जी के घर से, जनता दरबार के उसको भी ध्यान में रखकर वो पूरा बनाया गया है। तो ये पीडब्ल्यूडी बनाती है, सरकारी आवास बनते हैं, और अगर तुलना करना है तो प्रधानमंत्री जी के आवास से करिए, एलजी साहब के आवास से करिए। आप दूसरे मुख्यमंत्री 150 करोड़, 200 करोड़ के अपने लिए हवाई जहाज, केजरीवाल जी बाकियों से अलग किस तरह से कहेंगे? जब वो राजनीति में आए तो उन्होंने शुरुआत इससे की शीला दीक्षित के यहाँ पर 10 AC लगे हैं जिसका खर्चा जनता की जेब से जा रहा है, या उन्होंने कहा शुरुआत जब उनको बंगले अलॉट किए गए कि इन बंगलों में मैं नहीं जाऊंगा, मेरे को बहुत छोटे से बंगले की जरूरत है। जब इससे आप राजनीति में एंट्री करते हैं, आम जनता के बीच आप जाते हैं कि एग्रीकल्चर हम खत्म करने वाले हैं, तो फिर 45 करोड़ रुपए जिसमें फॉरेन से टाइल्स आ रही है, इंडिया की टाइल्स कर सकते हैं, तो अगर पीडब्ल्यूडी ने किया भी तो क्या इसकी आपत्ति नहीं जतानी चाहिए? देखो अब टाइल्स पीडब्ल्यूडी कहां से लगा रहे हैं, मुझे भी आज पता चलेगा कि भाई कहां से लग रहे हैं। सरकारी आवास बनाने वाले हैं, उनके इंजीनियर होते हैं, हम थोड़े जाके देखेंगे कि आप कौन सा टाइल लगा रहे हो, कहां से ला रहे हो, वो तो होते हैं, इन्होंने बताया तो लोगों को पता भी चलेगा कि कहां का टाइल्स कहां का बनता। सरकारी आवास में वो केजरीवाल जी के नाम पे रजिस्ट्री नहीं होनी है, वो घर की हम लेके थोड़ी सा आज ले ले वापस ले ले, सरकार ने दिया है आज आप वापस ले लो, उनको दूसरा घर दे दो, क्या प्रॉब्लम है? ना उनके नाम पे रजिस्ट्री होनी है, ना उनको अनंत काल तक रहना है, कल कोई दूसरा मुख्यमंत्री बनेंगे, कल भाजपा के, कांग्रेस के, किसी भी दल के मुख्यमंत्री बनेंगे, वो वहां पे रहेंगे। हमारी राजनीति आज भी वही है, केजरीवाल जी वही नीले चप्पल पे नीले पेन से उसी पे चलते हैं, आप वो एक एक चीज उनके जीवन को उठा करते हैं। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये नहीं, मुद्दा पुलवामा का हमला है। आज जब पुलवामा के हमले में इतने बड़े प्रश्न चिन्ह आ रहे हैं, फौजी खुद गवाही दे रहे हैं कि क्या परिस्थिति में, किस परिस्थिति में हमले हुए और इतने हमारे शहीद हुए, जब भी कोई ऐसा महत्वपूर्ण मुद्दा आता है, मुद्दा भटकाने के लिए बीजेपी ऐसे ट्रिक छोड़ती है, तो जनता अब क्या है, बहुत होशियार है। कोरोना काल में 45 करोड़ रुपए खर्च होना 2020 से 2022 के बीच, जब ऑक्सीजन नहीं थी तो लेट डिपार्टमेंट ने किया, लेकिन तब आपकी सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, केंद्र सरकार से कह रही थी कि हमें फंड दीजिए, और ऐसे समय में 45 करोड़ रुपए का बंगला बनता है। ये सारी चीजें देखिए, आप टेक्निकल में जा रहे हैं, सारी चीजें पहले से प्री एलोकेटेड होती है। आपको पता है कि सरकार में अगर भवन के लिए, कुछ निर्माण के लिए फंड जाते हैं तो वो फंड बहुत पहले चले गए रहते हैं, उसका अलॉटमेंट हो गया रहता है, टेंडर होता है, टेंडर प्रोसेस से होता है, मेरे से ज्यादा शायद आप भी जानते हैं। मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा तो वो केजरीवाल जी का घर है ही नहीं, हमने तो कहा है कि वो एलजी साहब ले लें, हम दूसरे जगह चले जाएंगे अपने झोला उठा के, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुद्दा ये है कि आज देश में जब बड़े मुद्दे सामने हैं, बेरोजगारी की इतनी बड़ी समस्या है, महंगाई की समस्या है, पुलवामा जैसे हमले हैं, जहां पे आप गवर्नर साहब कितनी जगह की गवर्नर रह चुके हैं, इनकी पार्टी के, आज जब खुलेआम ये बता रहे हैं कि किस तरीके से पुलवामा में जानबूझकर कहो या अनजाने में कहो, ये तो जांच ही बताएगी, और उसका राजनीतिक लाभ उठ लिया गया। ये दुर्भाग्य है इस देश का कि जब अपने जवानों के जान के साथ खिलवाड़ किया जाए, ये इतना बड़ा मुद्दा है, इतना बड़ा मुद्दा है, इस पर ना जांच को तैयार, ना कोई बात करने को तैयार। अडानी जी के साथ इनके संबंध, प्रधानमंत्री जी के संबंध जग जा ही रहे, ना डिस्कशन को तैयार, ना पार्लियामेंट में डिस्कशन को तैयार। एक ही चीज कर सकते हैं, अगर आप बोलोगे तो आपको उठा के जेल में डाल देंगे। अरे डाल दो भाई, जेल में डाल दो, कितनों को जेल में डालोगे आप? मेरा ये मानना है कि देश ने बहुत सफर किया, पहले अंग्रेजों को, और अंग्रेजों के बाद फिर हमारे नेता आए और गंदी राजनीति, तो गंदी राजनीति अब बंद होनी चाहिए। राजनीति में शुचिता स्वच्छता बरकरार होनी चाहिए, और इस देश की भलाई तभी हो पाएगी जब हम सारे अच्छी राजनीति लेकर आएंगे। सर आम आदमी पार्टी जहां भी नीतिगत रूप से अगर आप देखेंगे तो हम हर राज्य में मुख्यमंत्री चेहरे के साथ जाते हैं,
संभवतः मध्य प्रदेश में भी हम मुख्यमंत्री चेहरे के साथ जाएंगे। कौन होगा? आज की तारीख पर यह तय नहीं हुआ है कि कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, लेकिन आने वाले समय में इन्हीं में से, हमारे बीच से ही, हमारे लीडरों में से ही, हमारे वॉलेंटियर से ही कोई उठेगा और उनको मुख्यमंत्री के रूप में प्रवेश किया। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं इस आम आदमी पार्टी के देश का संगठन महामंत्री हूँ। मेरी जिम्मेदारी सभी राज्यों के लिए बराबर है। बाकी पार्टी आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में भी चेहरा देगी, वहां पे भी चुनाव लड़ रहे हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा। सर, अगर पार्टी बनाएगी मुख्यमंत्री का चेहरा तो बनेगी। अगर दोनों राज्य एक समान है और पार्टी की जो पहले संगठन की बैठक हुई उसमें ये बात बताया गया कि समान रूप से यहाँ पर ध्यान देना है, लेकिन फिलहाल ये देखा जा रहा है मध्य प्रदेश में तो काफी एक्टिव, लेकिन छत्तीसगढ़ में प्राथमिकता किस राज्य की है? प्राथमिकता अभी आप देखेंगे कि कल मैं दूसरे राज्य में था, राजस्थान में था। राजस्थान में भी इसी तरह संगठन बन रही है। आप देखेंगे कि कुछ दिनों में हरियाणा में भी संगठन घोषित होने वाला है। आप देखिए कि कल छत्तीसगढ़ में भी संगठन घोषित होने वाला है 29 तारीख को। मेरा कहने का मतलब ये है कि आम आदमी पार्टी अब राष्ट्रीय पार्टी है। हर जगह वॉलेंटियर्स है, उनका इंस्पिरेशन भी है। पार्टी इन सभी जगहों पर चुनाव लड़ रही है और हमारे पास संसाधन नहीं है, तो अब हमें टेंशन भी नहीं है कि कहाँ प्राथमिकता दे और कहाँ प्राथमिकता ना दे। जेब तो खाली है, मेहनत ही करना है, सब जगह बराबर मेहनत करना है। अडानी का मुद्दा आप उठा रहे हैं और अडानी के मुद्दे पर शरद पवार ने एक तरह से क्लीन चिट देने की कोशिश की और आज उन्होंने केजरीवाल को ईमानदार मुख्यमंत्री बताया। कैसे करेंगे दोनों चीजों को? ये शरद पवार जी को एक्सप्लेन करने दे तो बेहतर है। मेरा ये मानना है कि देश से ऊपर कोई नहीं होना चाहिए, चाहे जो मर्जी हो जाए। देश सर्वोपरि है। जहां जहां जिस जिस देश में देश के ऊपर अगर कोई नेता होता है वो विनाशकारी। सर, शराब नीति का जो मामला है दिल्ली का, आपको नहीं लगता कि आप जो चुनावी राज्यों में जा रहे हैं वहां पर बीजेपी इसको जोर शोर से उठाएगी, लाखों के सामने बहुत बड़ा मुद्दा बनाएगी? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बड़ा मुद्दा उठाएगी चुनाव में, और इसीलिए तो वो कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं वो षड्यंत्र लगाने में, वो इसलिए तो कर रहे हैं कि ये सारे जगह चुनाव है। पर कोई बात नहीं, देखो पहले के जमाने में मीडिया की लिमिटेड रीच होती थी, आज सोशल मीडिया, मीडिया बहुत एक एक व्यक्ति तक पहुंचा हुआ है। सच्चाई उठेगी नहीं, वो उनका काम करेगी। सर, अभी देश में सारा विपक्ष धीरे धीरे इकट्ठे हो रहे हैं, इकट्ठे होने की कोशिश कर रहे हैं, तो वापस से मीटिंग कर रहे हैं, 2024 की तैयारी क्या अब जो विधानसभा जिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है क्या वहाँ पे आप किसी विपक्षी दल से बातचीत करके उसके साथ इलेक्शन लड़ने के लिए जाएंगे? सर, इसी में एक सवाल और जोड़ देता हूँ। आज जहाँ पर बैठे हुए हैं वहीं एक बैठक चल रही है राजनीतिक और सामाजिक संगठनों की, लगभग 10 संगठन इकट्ठे हुए हैं तीसरे मोर्चे को लेकर मध्य प्रदेश में। कह रहे हैं 230 विधानसभा सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, वो है जो आदिवासी और SC/ST का बिलोंग करते हैं। प्लीज, मैंने पहले भी स्पष्ट किया था कि विधानसभा की सारी चुनाव हम अकेले लड़ेंगे। आपको ये समझना पड़ेगा कि मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जनता को जोड़ तोड़ खिचड़ी वाली राजनीति जो है वो पसंद नहीं है, और जो चीज जनता को पसंद नहीं है ऐसा काम नहीं करना चाहिए। साफ सुथरी राजनीति होनी चाहिए। अकेले चुनाव लड़ेंगे, अपने मुद्दे को लेकर जाएंगे, आशीर्वाद देना नहीं देना, कितना देना है वो जनता तय करेगी। दूसरा, आपने जो प्रश्न उठाया, देखो प्रजातंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है और चुनाव लड़ना चाहिए, तभी प्रजातंत्र मजबूत होती है। किसी भी दूसरी पार्टी के प्रति ये भावना रखना कि कांग्रेस मुक्त भारत या फलाना मुक्त भारत, ये अच्छी भावना नहीं है। सारे राजनीतिक दलों को मजबूत होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए और अच्छी राजनीति करनी चाहिए। आज अगर यहाँ बैठक चल रही है, जिनकी है मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन जिनकी भी है, अगर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उनका स्वागत करना चाहिए, उनको चुनाव लड़ना चाहिए। पाठक जी, यदि आम आदमी पार्टी स्थिति में आती है कि उसके सहारे सरकार बननी है, पर आप किसके साथ जाएंगे? कांग्रेस का साथ देंगे या बीजेपी को? देखिए, अगर आज मैं अपने युद्ध का आरंभ ही इसी बात से करूं कि किसके सहारे बनानी पड़ेगी, तो मैं उस स्थिति में भी नहीं पहुंचूंगा। मेरे दिमाग में एक ही लक्ष्य है कि जनता को कन्विंस करेंगे, जनता को समझाएंगे, और जनता को एक बार अगर मुद्दा क्लिक हो गया तो पूरे का पूरा ही सरकार बनेगी। लेकिन सर, केंद्र में तो मोदी जी को रोकने के लिए केजरीवाल जी ने इस बात को लेकर सहमति दी थी कि हम उनको रोकने के लिए तीसरे मोर्चे पर भी विचार मंथन कर सकते हैं,
मध्य प्रदेश के बीते विधानसभा चुनावों को देखें तो इस बार के आंकड़े भी कुछ ऐसे दिखाई देने के नजर आ रहे हैं। उस स्थिति में आपका क्या होगा सर, क्या रहेंगे क्या? मेरा मेरे से ज्यादा आप लोग समझदार हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि कभी भी राजनीति अगर किसी दल को रोकने या किसी व्यक्ति को रोकने के लिए करेंगे तो वो सक्सेस नहीं होता है। राजनीति अपने मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाने में होनी चाहिए। तो अगर हम कहें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है मोदी को रोकने में, मोदी को हराने में या उसको हराने में, हमें इंटरेस्ट है हमारे मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जाने में। और अगर हमारा मुद्दा अच्छा है और अगर उनके मुद्दे खराब हैं तो जनता जो सच्चाई है उसको जिताएगी। तो मेरा ये मानना है कि किसी व्यक्ति को या किसी पक्ष को हराने के उद्देश्य से अगर कोई भी योजना की जाए तो उसके सफल होने की संभावना कम होती है। चलिए, मुझे तो नहीं पता था कि सेंटर ने क्या सर्वे कराया। आप बता रहे हैं तो निश्चित रूप से करा रहे होंगे, करा ही रहे होंगे, क्योंकि इन्हें डर तो लग रहा है, इन्हें डर तो है, दोनों पार्टियों को डर लग रहा है। हम अभी अपना एक्सटेंसिव सर्वे इनिशिएट या शुरू नहीं किए और संगठन बनने के बाद हम वो शुरू करेंगे। मेरा ये मानना है कि आपको मध्य प्रदेश की राजनीति को पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा आज की डेट में सर्वे की जरूरत नहीं है। आप सीधे सीधे दो चीजें उठाकर देखिए, शिवराज सिंह चौहान जी के पूरे कार्यकाल से जनता दुखी है। कांग्रेस पार्टी को अब जनता आइडेंटिफाई या उनको पहचानने से इनकार कर रही है। जनता को ये लगता है कि ये दोनों आपस में मिले हुए हैं। जब जनता के मन में लार्ज स्केल पे ये भावना है, लार्ज स्केल पे भावना है, तो मेरा ये मानना है कि आज अगर सर्वे कराओगे कि क्या इन दोनों पार्टी को हटाना चाहते हो तो 100% सीटों पे जनता कहेगी यस। फिर प्रश्न आएगा कि किसको सरकार बनाना चाहते हो, फिर वो निर्भर करेगा हमारी मेहनत, वो हम करेंगे। पिछले कुछ सालों में टीचर जो इलेक्शन थी, ऐसे में एंटी इनकमबेंसी का वोट अगर आपके पास आता है तो लॉस सीधे सीधे कांग्रेस का नहीं, बीजेपी तो विनिंग पोजीशन पे आ जाएगी अगर एंटी इनकमबेंसी का वोट आप टारगेट करते हैं। मेरा मानना है अगर आप ऐसे देखेंगे तो हो सकता है आप सही कह रहे हैं, लेकिन आप इसको दूसरे तरीके से देखिए। आप देखेंगे कि भाजपा और कांग्रेस के वोट शेयर में ज्यादा अंतर नहीं है। ये इस बात को दर्शाता है कि दोनों की ताकत लगभग लगभग यहाँ पे बराबर है। अगर तीसरी कोई भी पार्टी उसी तरीके की अगर पार्टी होती तो निश्चित रूप से अंदर घुसने में डिफिकल्ट होती। आम आदमी पार्टी की खास बात यही है कि उन दोनों से बिल्कुल अलग है। और इसका उदाहरण आप देखेंगे, जब दिल्ली में चुनाव हुआ तो सारे कैलकुलेशन ऐसे दिखाते थे कि भाई दो सीट तीन सीट आएगी, वो गलत साबित हुआ, क्योंकि परिस्थिति निर्णय लेती है कि किस तरीके से पूरा वोट पड़ेगा। दिल्ली में बदलाव के लिए वोट पड़ा, आम आदमी पार्टी जीती। आपने पंजाब देखा होगा, पंजाब में कोई सोचा भी नहीं होगा कि इस तरीके से वोट, बदलाव के लिए जब वोट पड़ते हैं तो फिर सारे कैलकुलेशन, सारे पॉलिटिकल पंडित, सारे गुड़ा भाग, वो स्पिन मास्टर सारे फेल हो जाते हैं, एक ही जीतता है वो जनता। दो चीजें, बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा आपने। सरकार बनाने के उद्देश्य से किसी को भी पार्टी में शामिल करके जीत लो ये हमारा उद्देश्य नहीं है, वो लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान पहुंचाता है। हमारा उद्देश्य है हमारे जो नैतिक आधार है उनको ध्यान में रखकर उनको बिना कॉम्प्रोमाइज किए सरकार बनानी है, नंबर दो। नंबर तीन, लेकिन दूसरी पार्टी में भी बहुत अच्छे लोग हैं, दूसरी पार्टियों में बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो वहां अच्छे काम करने में असमर्थ